दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हिंदुस्तान, दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव हिंदुस्तान का, जहां सबसे ज्यादा खर्चा, वो देश जहां तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने दावों और अपने अपने दम पर बड़ी बड़ी रैलियां कर रही हैं, खुद को बेहतर साबित करने के लिए आरोप प्रत्यारोपों का दौर चल रहा है, खुद को सत्ता में काबिज करने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हैं। भारत के चुनाव की धमक इतनी तेज है कि उसकी गूंज दुनिया के दूसरे देशों में पहुंच रही है। रूस और अमेरिका भी इससे अछूते नहीं हैं। चुनाव भारत में हो रहा है, लेकिन अमेरिका और रूस के बीच लंबे वक्त से चल रही सांप नेवले वाली दुश्मनी की वजह से टेंशन बढ़ गई है, और इसके पीछे की वजह भी भारत में हो रहा चुनाव ही है। हिंदुस्तान की सियासत पर अमेरिका की एंट्री भारत के पुराने दोस्त रूस को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं हुई, और रूस ने अमेरिका को दो टूक जवाब दे दिया। भारत में हो रहे चुनाव पर रूस ने अमेरिका पर हस्तक्षेप का आरोप लगाया तो अमेरिका में छटपटाहट बढ़ने लगी। अमेरिका ने भी पूरी तैयारी के साथ खुद पर लगे आरोपों का रूस को जवाब दिया और आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। अमेरिका इससे पहले रूस पर भी निष्पक्ष चुनाव ना कराने का आरोप लगा चुका है। रूस में 15 से 17 मार्च के बीच आम चुनाव हुए थे। इसमें पुतिन 88% वोटों के साथ पांचवीं बार रूस के राष्ट्रपति बने। इस पर अमेरिका ने आरोप लगाया था कि पुतिन देश में किसी भी विरोधी नेता को टिकने नहीं देते, रूस में निष्पक्ष चुनाव नहीं होते हैं। भारत के चुनावी माहौल के बीच रूस को यह मौका मिल गया और अमेरिका पर भारत में हो रहे चुनाव पर दखलंदाजी का आरोप लगा दिया। दोनों देशों के बीच दुश्मनी पुरानी है। दरअसल भारत में लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने के बाद अमेरिका की तरफ से भारत में धार्मिक आजादी और भेदभाव को लेकर रिपोर्ट जारी की गई थी। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर भी अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों ने सवाल खड़े किए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए अब आपको जल्दी से ये भी बता देते हैं कि अमेरिका और रूस के बीच चुनाव में दखल के आरोपों का पुराना इतिहास क्या है, इसकी पुरानी राजनीति क्या है, जरा ये आप जान लीजिए। अमेरिका वर्सेस रूस चुनावी दखल की राजनीति, इसको आप समझिए। 2021 में अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट में दावा किया गया पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप को फायदा पहुंचाया। पुतिन ने दखल के लिए ऑपरेशन को मंजूरी दी थी, ये 2021 की बात है। 2016 में भी अमेरिकी चुनाव में रूसी हस्तक्षेप का आरोप लगा था। Zee